आप दोनों कुछ काहे ना बोल रहल बानी। कौनो भी स्ट्रेंजर के अपन घर में रख ले, यह हमार कौनो रिश्तेदार बारे जिनका के घर में रखल जरूरी बा। आखिरी बाड़े के जे इनका हमने अपन घर में रखी, बाहर निकाले इनका के अभी यही वक्त। आई एम सॉरी रानी सर, लेकिन ई हम ना कर सके ना। ई हमार पेशेंट बाड़े और हमार जिम्मेदारी भी, और जब तक ई पूरा तरह से ठीक निकन हो जात, इहें रही हैं हमार नजर के सामने। अच्छा कहनी जय, आप इनके यहाँ ले आई नी। थैंक यू रानी। तोहर हिम्मत कैसे भइल हमारी इजाजत के बगैर वो पेशेंट के घर में लावे के? रानी साहब तो बस बहुत भारी कीमत चुकैबो ई फैसला के खातिर। रानी, राजेश्वरी अभी तक तो ज्यादा कुछ ना कही, लेकिन ये बार उनका गुस्सा आसानी से शांत ना होगी। कहा जरूरत है तोरा ये सब कुछ इस तरह से खतरे में डाले के? हम जी कुछ भी कहनी सिर्फ डॉक्टर साहब के खुशी खातिर कही। और रणविजय जी घर के बड़ बेटा बाढ़ ना, आपके भाई साहब, ऐसे ही कहीं भी ना रहे दे सके नी हम। उनके परेशानी और लाचारी देखल न गई हमरा से तो हम सोचने की, और तो उनकर खुद के बेटा से उनकर और ज्यादा ख्याल के रख सकेला? बाहर ना सही, कम से कम घर में तो इलाज कर सकेला ना, ये सोच के हम उनके इजा ले आए। भाई साहब की चिंता हमनियों के बाहर आने लेकिन दिग्विजय, बहुरानी सही कह रहे भैया, एक ना एक दिन तो सबके पता चले के ही रहे ना। हम पहले भी आपके कह चुके बानी, अब हमरा ही बात के ख्याल रखे के पड़े कि राजेश्वरी और रणविजय आमने सामने ना आ पावे। राजेश्वरी के बारे में कबो भी पता ना चल के चाहिए। ये रणविजय, आप सोच भी ना सके नी कि आपके ठीक देख के हम कितना खुश बने। ऑपरेशन के समय हम नशा में कैसे नहीं, हम क्या नहीं खे पाते, पर थैंक गॉड हमसे कोनो गलती ना भाई। अब बस हम आपके कोनो तरह जल्द से जल्द ठीक करे के चाहत बने, और इसन होखी भी कहें से कि आप हमरा पास ही बानी, ओकरा बाद आपसे ढेर सारा बात करब। बताए ना दादी साहब के बड़े रणविजय, कौन रणविजय? कोई भी नहीं के, वो असल में बब उ कछु बिजनेस के बारे में बोलत रहनी तो उहे। अब वैसे खास बात तो यह कि आप चलिए हमरा साथे। जरूरी बात तो ई है कि आखिरकार डॉक्टर साहब के चेहरा पे मुस्कान आ गई। मुस्कान? अब उ कहा उजे
अस्पताल में मरीज रहे ना 2017। हाँ हाँ, अब जिनके हम प्यार से गिरधारी काका बुलावे नी, उनके हम घर पे ले आई नी। डॉक्टर साहब अब ऐजे से उनका इलाज कर पाई। अरे दैट्स ग्रेट न्यूज भाभी साहब। लेकिन भाभी साहब हमने के फिर भी ब्रो के लाइसेंस वापस दिलाए खातिर कुछ ना कुछ तो करेगा ही पड़े। जब तक ना होके ना ब्रो खुश नहीं होके वाला। उनकर काम, उनकर पेशेंस, उनकर खातिर सब कुछ बा। सही कहा तानी आप देवर जी। हम तक खुद सोच सोच के परेशान हो गई नहीं कि आखिर वो नशा में आइलैंड कैसे। घर में तो बिल्कुल ठीक रहलन, तब फिर अस्पताल में भी ठीक ही रहलन। उसके बाद वो ऑपरेशन के तैयारी करे गईलन और फिर क्या भाभी साहब? देवर जी आप हमरे साथ है चलिए। भाई भाभी साहब कहाँ? आपके सब बता बता नहीं, आप चलिए हमरे साथ। अरे लेकिन भैया जी सर। नमस्ते। जे कैमरा में जमा हो के लाना, कौन कब आयल कब गई, कल के हम देख सके निका जरा फुटेज, कल के फुटेज प्ले करें जल्दी। उम्मीद हम जे ढूंढा तनी हमके मिल जाए। अब सुनिए ना जरा, आप 3 से 4 बजे के बीच के दिखाई और डॉक्टर साहब के कैबिन के बाहर के दिखाई। डॉक्टर वीर के कैबिन जल्दी। हाँ। जरा पास ले जाए ना। जूम 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 जल्दी। ये बर्जी हमके पूरे यकीन ही पानी के बॉटल में कुछ मिलल होगी, वह पियत रहलन डॉक्टर साहब, एक ही ढूंढे के होगी। भाभी साहब ब्रो ही बॉटल के ऑपरेशन थिएटर में लेके गए पड़े, हमने कोई चीज ढूंढे के पड़ी। ठीक है अब शुक्रिया। थैंक यू। चलिए सर अंदर ऑपरेशन चल रहा बा, आप अंदर ना जा सके नी। फाइन आप तो जा सकी नी ना। देखिए डॉक्टर वीर एगो पानी के बोतल अंदर लेके गए रहले, हमनी को बोतल चाहिए प्लीज। देखिए दीदी बहुत जरूरी है हमरे खातिर प्लीज। मैम ऑपरेशन थिएटर के हर रोज सैनिटाइज कइल जाला, अगर वीर सर बोतल लेले भी होखिए तो हो सकेला वहाँ पर ना होखे, काहे कि सफाई के वक्त ओकरा फेंक दियल गइल होखी। सुनी अब सब कूड़ा कहाँ जमा होखेला अस्पताल के? मैम हॉस्पिटल में सीढ़ियन के पास सारा डस्टबिन रखल रहेला, आप चाहे तो एक बार वहाँ देख सकेनी। अगर कचरा उठावे वाला गाड़ी अभी तक ना आयल होगी तो वो बॉटल आपके वहाँ मिल जाए। ठीक है थैंक यू। चलिए जी, तो है बाटल है। इसका खोल के देखिए। आपके शक सही निकल भाभी साहब, ये पानी में कुछ तो मिलावल गिल बा, और एक दिन बंद रहे की वजह से एक कर स्मेल और स्ट्रॉन्ग हो गिल बा। हम लैब से पता कराते नहीं में काबा, ओके? जी।
रानी। हेलो रानी, कहाँ बनी आप? हेलो डॉक्टर साहब, कल ऑपरेशन से पहले आपके हाथ में एगो पानी के बॉटल रहे, जरा याद करी ना के दे ले आपके पानी के बॉटल। हाँ जरा याद करी ना जल्दी। इला तो पानी पिया। थैंक यू। अरे हाँ रानी, वो बोतल रानी सा दिले रही हमके, ऑपरेशन से पहले मिले आयल रही हमसे। माने इस सब के पीछे रानी साबानी, इतना घिनौना षड्यंत्र रचनी हूँ। रानी आप हमसे वो बोतल के बारे में कहाँ पूछत बानी, कुछ रहल का हो मैं? अब कैसे बताई आपके कि जोन बदनामी से आपके गुजरे पड़ रहा ला, उसके पीछे रानी सा के हाथ हो। रानी आप कुछ बोल कहे नहीं की रहल। रानी ना डॉक्टर साहब कुछ ना। रानी हेलो, फोन काट दे ले, वापस लगाओ पानी। उनके माफ करी डॉक्टर साहब, इतना बड़ सच बतावे की हिम्मत ना हो। उसने कहा बात बात जोन रानी हमसे छुपा रहल बाड़ी, हमके खुद हॉस्पिटल जाके चेक करे के पड़ी कि आखिर वो बोतल में रहल का। अगर वीर के पता चल गए कि बोतल में केमिकल हम भी ले ले रहनी, तो हमार सारा खेल बिगड़ जाए। अरे सर आप फिर से आ गए नहीं, हम आपसे कहनी ना कि आपके अंदर जाए। मना बात जानत बने, अगर जरूरी काम ना हो तो ना इतने हम। सर आपके जरूरत हमार नौकरी खा जाए, हम आपके हाथ जोड़ा था नहीं सर, आप यहाँ से जाएं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट काम बा, 2 मिनट में खत्म करके निकल जाए हम। ओके हटिए आप। अरे ये अजीब बात बा, हम आपसे प्यार से बात कर रहे बनी और आप हमारी बात सुनते नहीं की। सर हम आपसे कहनी ना कि हमारा पास ऊपर से ऑर्डर बा, आप प्लीज यहाँ से जाएं प्लीज। ए दिमाग खराब हो गया बका, तू बताइए ऑर्डर्स के बारे में। विक्रम जानते लगे के बारे। विक्रम विक्रम छोड़ी इनके, ये अपन काम कर रहे बड़े, छोड़ी इनके, लेट हिम गो। हाँ छोड़ सर, झुकाओ सलाम ठोक, तो तनखा ना इनके से आवेला। सॉरी सर गलती हो गई। इट्स ओके रिलैक्स। सॉरी ग्रुप आप आई एम फाइन। विक्रमी बोतल की क्या स्टोरी बा? ग्रुप भाभी साहब के ना बतोली। काहे आयल बाड़ू तू यहाँ? आप ही हमरा से कहले रानी ना रानी सा, अगला बार सवाल तब उठाइए जब हाथ में सबूत हो। तेली यह में नशा मिला के आप डॉक्टर साहब के देले रहनी ना, टेस्ट खातिर भिजवाइले बानी हम, रिपोर्ट आते होखिए। सच कही तब जब आपके नाम सुनी ना हम, हमार पैर तले जमीन खिसक गई। समझ में ना आयल की आप इतना गिरल हरकत कैसे कर सके नी, अपने ही बेटा पे झूठा इल्जाम लगा के उनके सब कुछ छीन लेनी आप उनकरा से, कहे कहीं नहीं आप ऐसा? कहे कि वीर हमार बेटा कहलावे के लायक नहीं खे, कहे कि बार बार वही साबित करता इल्बा कि खून खून होखेला और पराया हमेशा पराया रहेला। और जाने लो इस सब के शुरुआत कहां से भई, जब वो तोहरा से शादी कैलस। तू ही बाड़ू होकर हर गलती के वजह, तू ही बाड़ू जे होकर करियर बर्बाद कैले बाड़ू। वो एगो नौकरानी के हमार बराबर लाके बैठा देलस, त
तरह का लागल रहे कि हम इतना आसानी से भूल जाए और ओकरा के माफ कर दे। ना तू रहतू और ना राजावत परिवार में एक घमासान होकर और ना ही लावारिस पेशेंट ई वक्त घर में पड़ल रहा। अगर केहू के दोष देवे के बाद तो खुद के द। ये सब का वजह है? आप हमारी फैमिली की जासूसी करत रहनी? हाँ भी फोन पे वीडियो के दो फोन दो। जय छोड़ी जय हम का करे नी का ना करे नी ओमे अपन टांग अड़ावे के कोनो जरूरत नहीं खे समझ लो। वो चाय तो ठीक से बने लाना आईली ज्ञान बाटे। का भाई कोनो जवाब नहीं खे होत भी कैसे अपन अंदर झांक के देखबू समझ जेबू कि हम जब भी जौन भी कहें हमेशा सच होखेला। रानी साहब हमरे बारे में का सोचे नी हम बदल ना सके नी। शुरुआत में कोशिश जरूर कैले रहनी हूँ पर फिर छोड़ देनी। सोचनी कि टीम के साथ साथ शायद आप हमके समझ जाइए परंतु अब जे आप कहीं नहीं आना ओकर ठीकरा हमार सर फोड़ के हम आपके बच के जाए ना दे। अपन जेत खातिर आप हमार डॉक्टर साहब की जिंदगी बर्बाद कर देनी तो मरीज के जन खतरा में डाल देनी कहे कहीं नहीं ऐसा। बर्बादी के राह पे तवीर बहुत पहले निकल चुकल रहे और वो पेशेंट वो लावारिस ओकरा से हमरा का लेना देना वो जिए कि मरे हमरा कौनो फर्क ना पड़ेगा। बहुरानी वो आप मंगवाइले रहनी जी आप जरा उनके कमरा में ही रख दी। कौनो जरूरत नहीं है कौनो भी सामान कहीं ना चाहिए। और तू बहुत मनमानी हो गई तोहार रानी तू ही ले रहलू ना पेशेंट के घर में। अब हम ओकरा घर से बाहर निकाला ये हमार घर बा और यहाँ उहे होई जे हम चाहता नहीं। रानी से उनके इलाज की जरूरत है वो लावारी सब एक और पल यहाँ ना रही। रानी सा सुनी रानी सा ये देखिए ब्रो आपके बेगुनाही के सबूत उजन बोतल में पानी देकर टेस्ट करवानी हम ओकरा में केमिकल मिलल रहे ओकर वजह से नशा होत रहे आपके। लो ई केहू के सोचल समझल साजिश बा आपके खिलाफ आपके फसावे खातिर। एकर मतलब पेशेंट ओटी में शिफ्ट हो गेल बा जी सर। सर्जिकल किट रेडी करिए मावत बने रानी सा, आप यहाँ? बहुत नाराज बानी हम तोरा से वीर लेकिन आज के दिन आपन नाराजगी जताई ना। सुन ले बानी आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट बात आ रहा खातिर बहुत बड़ सर्जरी करे जा रहा है बड़ा। रानी सा जॉन कुछ भी भाई लोग रखा थे हम इट्स ओके वीर ई बारे में हम बात ना करब चाहे कितना भी दूरी काहे ना आ जाए हमनी के बीच लेकिन हमरा हमेशा तो हर फिक्र रहेला। आफ्टर ऑल बेटा बड़ा तू हमार
बाड़ा ना। थैंक यू रानी साहब, हम जनत रहनी की आप हमके समझब। का भइल वीर? आप ऊपर फिर मुझके लिए बनी का जैसे हमके एलर्जी बा। ओ आई एम रियली सॉरी, हमरा ध्यान ना रहल वीर। एक मिनट इला, तू पानी पीला। यो के हां थैंक यू। लावा हम और वक्त ना लेब तोहार, अब तो अपन तैयारी करा। यस रानी सर, ऑल द बेस्ट। ये सब रानी सर कहले बड़ी। रुक काफिल, आप ठीक बनी? ब्रो आपके आंख में आंसू, आप रोत काहे बनी? ब्रो हमरा बहुत टेंशन हो रहा है, प्लीज बात तो बताइए यार, प्लीज। आप जाना था नहीं क्या कहले बा? रानी सा रुक तो जाई, हमार बात सुनी। अगर आप ही घर के शांति चाहता नहीं ना, तो फिलहाल आपके ही राज के अपना तक ही सीमित रखे के पड़ी। आपके हमार कसम, आप ये बात केहू के भी ना बताएं। हम के रानी सा के रोके क्यों की? रानी सा प्लीज समझे के कोशिश करें, एक डॉक्टर साहब के मरीज बाड़न, आप आगे मत जाएं। अच्छा अगर तोहरा ही लावारी से इतना प्यार बा तो तू भी एक रस साथे निकल जा। हटो रानी सा, रुकी रानी सा ना। राजेश्वरी ये सच ना हो सकेला, ये वापस ना आ सकेले। राजेश्वरी, राजेश्वरी संभाला अपना आपके। राजेश्वरी संभाला, संभाला अपना आपके। अब हमरा का घर हलवानी उधर देखी, वो देखी कहनी हमार पे हम प्लीज। ना ना राजेश्वरी ना, संभाला अपना आपके। संभाला पानी, थोड़ा पानी पी ले। संभाल राजेश्वरी, राजेश्वरी कहाँ हो गए आपके, कुछ तो बोली। राजेश्वरी देख विजय जल्दी से कुछ करी, देखे कहाँ हो गए। हम डॉक्टर के फोन मिला होगी। ये सब होकर रहा ला राजमाता जी, इनके देख के रानी सा बेहोश काहे हो गई नी। ऐसा का कहनी आई के कोई हमके बताए कि सच का हो।
जब तक हम पूरा राज जान ना ली हमरा शांति ना मिली। कबू नंदिनी कबू शांति, चंपा में तो दिलचस्पी खत्म से हो गई बाप के। अरे यार हम का बात करत नहीं, और तू देखा हम खाली ये जाने के चाहत नहीं कि आखिरकार उजे चलत का बा। सोचता हम भी रहल बानी कि आखिर चल का रहल बा, लेकिन कौनो खबर हाथ ना लग पा रहल बा। लागत है कौनो बड़ा राज बा। हुकुम साहब सबके बेसमेंट से निकले से मना कर ले बानी। और तू उनके हुकुम मान गई लो? अरे चंपा डालिंग तनी फुर्ती दिखावा, कोनो बहाना से ऊपर जा और ऊपर जाके पता लगाओ कि वजह चलत का बा। नंदिनी नंदिनी बैग लेके कहाँ जाता रू? अपना घर। कहाँ नंदिनी, ये भी तो आप ही के घर बा ना? हमार घर बा। अगर ये हमार घर होखत ना तो आप वो दिन हमसे इतर बात ना करती। तब ना माने? ना। घर छोड़ के जाए? हाँ। ये आपके आखिरी फैसला है? हाँ। तो फिर ठीक बा, हम भी आपके साथ अपन ससुराल चले। चाहे आप कौन तरह के इंसान बारे, आपकी बीवी घर छोड़ के जा रही दिया, हमके रोके के बजाय सॉरी बोले के बजाय आप घर चले खातिर तैयार हो गई। ऐसे चले ये रिश्ता? हमार घर वालन पे जासूसी करके, हम रोके चाहे तो हमार हाथ चला के। ओ गॉड, हमसे I'm so sorry बेबी। I can't believe this। आपके अब रियलाइज हो रहा बा कि हमार हाथ जलल बा। यू नो व्हाट, भाड़ में जाएं आप। अरे यार अगर ये घर चल गई तो रानी से हमार बैंड बजा दिया, कैसे रोकी कैसे मनाई एक रखे। ये सजा बा हमार नंदिनी, आपके लागेला हम आपके परिवार के ऊपर जासूसी करत रहनी। ये जासूसी नहीं खे नंदिनी, रानी सा खातिर फिकर बा हमार। अकेली हो गई बड़ी हो जाए वहां पे, और रानी ओकरा तो वीर के फुल सपोर्ट बा। अब वो अपन मनमानी चला के रानी सा के परेशान ना करे, यही से हम ये सब। I'm sorry नंदिनी। ना जय, आई एम सॉरी, हमके माफ कर दी, हम आपकी गलत समझ नहीं और आप अपना हाथ जला लेनी और आइंदा ऐसा करनी ना फिर। सच छिपावे के टाइम खत्म हो गए, अब आप हमके बता दी, हम जाने चाहता नहीं सब का हो रहा। अब बहुरानी हो रणविजय, राजेश्वरी राजेश्वरी रानी सा आराम से पानी ली थोड़ा लावा राजेश्वरी सब। जौन आदमी के नाम भी लेवल मना रहा है ये घर में, वो यहाँ का कर रहल बा राजमाता। संभाला संभाला आपकी। आप जानत रहनी ये सब के बारे में। Thank you.
हम ही इंसान के यहाँ बर्दाश्त ना कर सके नी। और हम एकरा अभी के अभी यहाँ से निकाला। राजेश्वरी, हाँ। राजेश्वरी आप ऐसा ना कर सके नी। राजेश्वरी, हमार बात सुनो, ऐसा मत करब, ये बाहर सर्वाइव ना कर पाई है। राजेश्वरी, हमार बात तो सुनो प्लीज। सुनिए राजेश्वरी, आप ऐसा ना कर सके नहीं। राजेश्वरी, रानी साहब प्लीज 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 प्लीज, राजेश्वरी हट जाओ हमारे आगे से। रानी हट जाए, पर पहले आप शांत हो जाए। हम कहनी हट जाओ, वरना हम के निकाल दे ना घर से बाहर। ठीक है निकाल दे, परंतु बात के समझे के कोशिश करें, इनके इलाज की जरूरत है। ऐसे मरे खातिर बाहर मत छोड़ दी इनके, प्लीज। दिक्कत हो जाए अगर अगर डॉक्टर साहब के पता चलल तो उनके बहुत बुरा लगी। आप प्लीज मान जाए ना, रुक जाए। हटो रानी साहब, रुक जाए। हम कहनी हटो, हमारा रास्ता छोड़ो प्लीज। रानी साहब ना, बात के समझे रानी साहब प्लीज। रानी साहब समझे ना, कहनी हटो। रानी साहब बाबूजी बारे डॉक्टर साहब के। ब्रो हमके बहुत टेंशन हो रहा है, प्लीज आप बात तो बताएं यार, प्लीज। आप जाना था नहीं क्या गले बा? घरे चल जाए, जोन भी बात सब सामने आ जाए। करलबाड़ी ही लड़की वीर के पिता रणविजय, ना ये ना हो सकेला, ये मुमकिन नहीं है। आप चुप काहे खड़ा बानी, आप कुछ बोलत काहे नहीं की। ये लड़की का बोल रहल बाड़ी, वीरता आपके बेटा बाना, आपके नाजायज औलाद बा। फिर ये सब बोल दी लड़की के कि ये सब झूठ बा। झूठ बाना बोली, झूठ बाना। ऑफ कोर्स झूठ बा। वीरता आपके सालन पुराना गलती के सजा बा, जकरा हम भोगत रहल बानी। पता ना कौन गंदा कोक के पैदाइश बाऊ, जे जन्म देके चल गईली और अपन पाप हमरा के थोप गई। बस करी राजेश्वरी बस। जौन औरत वीर के जन्म देले पियाना, उकरा बारे में हम ऐसन बात ना सुन सके नी।
काहे राज माता वो आपके सगी लागे ली। हाँ वो हमार सगी लागे दिया और सिर्फ सगी ही ना वो हमार बेटी जैसन बिया। काहे की राजेश्वरी वो औरत और केहू ना बल्कि आप बानी। वीर के जन्म देवे वाली माँ आप बानी राजेश्वरी। ना हो सकेला ही ना हो सकेला। दिग्विजय राजमाता का बोल रहा है बाड़ी। राजेश्वरी मां साजे कह रहा है बाड़ी नु सच बा। शादी के बाद जब भाई सा तोरा छोड़ के चल गए रहने तो तू ये बारे में सुनते ही तोरा पैनिक अटैक आई और शौक के कारण तू अपन होश खो बैठ लो। फिर डॉक्टर हमने के बतौलस कि तू प्रेग्नेंट बाड़ो। सर राजेश्वरी जी प्रेग्नेंट बाड़ी। हम तोहरा होश में लावे के हर मुमकिन कोशिश करनी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकल है राजेश्वरी। तू कोमा में चल गए डालू। कोमा में जैला के बाद तू वीर के चलम गए लो। वीर प्रताप सिंह रजावत। वीर के आवत ही जैसे एक नया जन्म मिल गए हो के तू ठीक होके लगलो। इनका कंडीशन ठीक होके लगल बा। आप इनका जल्दी घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। सब कुछ बेहतर होत रहे लेकिन वीर के देखा थी तोहरा फिर से अटैक आ गई।
फिर डॉक्टर हमरा बतौले कि भाई सा के तोरा छोड़ के गईला के बाद से तोहर दिल और दिमाग पे बहुत गहरा असर भइल बा। यही से उनकरा से, उनकर नाम से, उनकर हर पहचान से तोहरा अगर दूर न रखल गईल ता तोहर दिल और दिमाग पे बहुत गहरा असर भइल। यही से हमने के भाई सा के नाम के इनकर इनकर हर निशाने के इनकर से जुड़ा हर चीज के हमेशा हमेशा खातिर अपन घर से दूर कर दे। साल तक कुमुद ही वीर के संभल ले, ओकरा पल्ली पोस ले। तू बहुत अकेला हो गेल रहलू और तोहरा एगो ऐसन साथी के जरूरत रहे जे तोहर साथ दे सके, ये सब जो तोहरा बाहर निकाले में मदद कर सके। ऐसे हम तोहरे से शादी कर लेंगे। राजेश्वरी हमसे देखा लागल कि राजावत परिवार के बेटा इस तरीका से घर से बाहर रहे। और बहुत सोच समझ के हम वीर के यहां ले आनी और तोहरा लगल कि वीर हमार ना जायज औलाद बा।